आई एम राइट बिफोर मोहम्मद रिजवान हाउस। यहाँ पर खड़ी हुई है रिजवान भाई की गाड़ी। डेली अपलोडर प्लस कंसिस्टेंट यूट्यूबर इज फाइनली बैक विद अ न्यू व्लॉग। Assalamualaikum everyone, welcome to another vlog and thank you everyone for coming back. So finally welcome back हो गया तुम सबका another vlog में। लेकिन सबसे पहले sorry क्योंकि मुझे याद है मैंने आप सब लोगों को अपने last vlog में कहा था I will try my best कि जो जितना भी हमारा gap आया है हम इसको जल्दी से जल्दी cover करें। तो जैसे कि आपको पता है अभी recently ईद गुजरी है, उसके बाद मुहर्रम आ गया था, तो आई थिंक मुहर्रम में वीडियो अपलोड करना तो कुछ और ही समझ रहा था उधर कोई हिंट मिला। So now let's come to the main topic of our video. Today is one of the most memorable and the happiest day of my life. So aaj ki is video mein we are going to go at Mohammad Rizwan house. Yes, you heard it right. So jaise ki aapko yaad hoga pehle hi utar mix ki. तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा आज से फ्यू मंथ्स पहले मैं गया था मोहम्मद रिजवान के घर। मैंने बनाया था उनके साथ व्लॉग जिसमें आई हैड अ मीट अप विद मोहम्मद रिजवान, जिसमें मैं उनके घर गया था। हम बैठे, हमने बहुत सारी बातें की, मैंने उनका क्यू एन ए भी किया विच आई थिंक इससे पहले किसी ब्लॉगर या यूट्यूबर ने नहीं किया था, क्योंकि ये काम ज्यादातर न्यूज चैनल वाले या कुछ चैनल वाले करते। सो आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट यूट्यूबर और अ ब्लॉगर जिसने रिजवान सर के साथ व्लॉग किया था, जो की आई थिंक एक अचीवमेंट थी मेरे लिए, जिसपे आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार that I can't imagine। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो है, जाके जल्दी से वो वीडियो देखो क्योंकि आज है उस वीडियो का पार्ट टू। और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू गो एट मोहम्मद रिजवान हाउस वंस अगेन, और हम करेंगे उनके घर का एक्सक्लूसिव होम टू वर्क वंस अगेन। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और हमारे चैनल के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजवान सर विल बी नॉट अवेलेबल, जिसपे मैं थोड़ा सा खफा भी हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान का शेड्यूल इस टाइम फुल टाइट चल रहा है। अभी वो लोग नेदरलैंड्स गए हुए 3 ODIs के लिए और वहाँ से वो लोग दुबई फ्लाई कर जाएंगे क्योंकि एशिया कप आने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक टू रिजवान सर फॉर द इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच एंड द होल टूर्नामेंट। लेकिन टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी क्योंकि इसका आएगा पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में हम गए थे रिजवान सर से मिलने, सेकेंड अभी हम करें उनका होम टूर, और इसका आएगा पार्ट 3 जिसमें वंस अगेन हम लोग मिलेंगे मोहम्मद रिजवान से। और पार्ट 3 को पॉसिबल करने के लिए आप लोगों को करने होंगे 10,000 सब्सक्राइबर्स, और ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप लोग 10,000 सब्सक्राइबर कराएंगे हम इसका बनाएंगे पार्ट 3, और वो मैं कहता हूँ लेवल का होगा जिसमें हम मिलेंगे मोहम्मद रिजवान से। बस वो आप लोगों पे डिपेंड करते हैं जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाए। वंस अगेन हेलमेट मैंने पहन लिए, ग्लव्स पहन लिए और मैं रेडी हो गया हूँ। मजाक कर, इस तरह तो रेडी नहीं हुआ मैं, तब तक रेडी होता हूँ तब तक हम लोग रोल द इंट्रो करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा जी, तो मैं तो हो गया हूँ रेडी और टाइम हो रहा है 2:42 PM। अच्छा तो सीन अभी कुछ ऐसा, यासर तो जा चुके हैं रिजवान भाई के घर और मुझे छोड़ के चले गए हैं। लेकिन टेंशन नहीं लेनी क्योंकि यासर का वहाँ कोई काम था तो हमसे कुछ देर पहले चले गए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ जो मेरा छोटा सा कजन है ना हसान, वो जा रहा है, जिसको आपने सब व्लॉग्स में देखा होगा। तो जल्दी से उसको फोन करते हैं और पूछते हैं क्या सीन है, क्योंकि मुझसे सबर तो अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा, एक्साइटमेंट लेवल वेरी हाई। अभी हसान को हमने कर दिया फोन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या सीन है? मैं तो तैयार हूँ, आप चले? नहीं मैं तो कह रहा खैर आज नहीं जाते, कल चले। चलो मैं आता हूँ, सही है तेरे रेडी हो ना? मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, बस मैं आ गया आ गया। ओके बाय। तो मैं अभी घर से निकला और ये देखो गाड़ी में फ्यूल नहीं है। एक तो ये फ्यूल के टीके भी इतने लगते हैं, लेकिन हम गाड़ी चलानी है तो फ्यूल तो डलवाना पड़ेगा। निकलो निकलो हसू, प्लीज निकलो। One eternity later. आ गया, कितने एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। मैं कैसा लग रहा हूँ जल्दी बता। कुछ पूछा?
के हम रुके हैं और डलवाया गाड़ी में फ्यूल। अच्छा तो टैंकी हो गई अभी फुल और अभी हम सीधा चलते हैं। अच्छा तो अभी हम इंटर हो रहे हैं रिजवान भाई की सोसाइटी में। हाँ आसान एक्साइटमेंट है कि नर्वस दोनों। अच्छा तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम ऑफिशियली रिजवान सर की स्ट्रीट के पास पहुंच चुके हैं और अभी अंदर जाते हैं। अच्छा तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आई एम राइट बिफोर मोहम्मद रिजवान हाउस, लेकिन बिफोर गोइंग इनसाइड मैंने आप सब लोगों से कुछ बातें करनी है। अच्छा तो सबसे पहली बात, जिस स्ट्रीट में मोहम्मद रिजवान रहते हैं, स्पेसिफिकली जिस गली में वो रहते हैं, उसको भी रिजवान स्ट्रीट के नाम से एंगेज किया हुआ है, विच आई थिंक इससे पहले किसी क्रिकेटर के नाम से उसकी स्ट्रीट फेमस नहीं थी। और इससे पहले रिजवान सर पिशावर के किसी अंदरून इलाके में रहते थे और फ्यू ईयर्स बैक उस सोसाइटी में शिफ्ट हुए। अच्छा तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं मोहम्मद रिजवान के घर में ऑफिशियली। सच बात है मैं नर्वस भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा वो हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना है। मेरी देखें आप टांगे कांप रही हैं। अच्छा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूँ अंदर और बाहर से। जब हम रिजी बाई के घर इंटर होते हैं और जो सबसे पहली नोटिसेबल चीज है वो है ये वॉल, और इस वॉल पे लगी हुई है 3 frames। सबसे पहले फ्रेम में लगी हुई है अब्बास भाई की पिक जो इनके सबसे छोटे भाई हैं, और मिड में लगी हुई है रिजवान सर की पिक रिजी भाई सल्यूट करते हुए, और थर्ड फ्रेम खाली है क्योंकि इस पे लगनी है मौलाना साहब की पिक जो इनके सबसे बड़े भाई हैं, और यहाँ पर खड़ी हुई है रिजवान भाई की गाड़ी। तो रिजवान सर के पास है होंडा सिविक, रिजी भाई भी सिविक वाले लौंडे हैं, और इनकी गाड़ी का वेरिएंट है सिविक RS टर्बो जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट सेडान है, और जितनी तेज ये गाड़ी भागती है उससे ज्यादा तेज रिजवान भाई रन बना रहे हैं। और अगर हम इस साइड पे हैं तो यहाँ पर है एक खूबसूरत सा गार्डन। जो पिछली बार आप लोगों ने देखा मैं रिजवान सर से मिलने आए थे तो जब हम आए थे यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे, और ओवरऑल ये इनका घर है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और जिस इंसान का है वो इतना खूबसूरत लोग आने तो खूबसूरत होने। अच्छा सो एक्सटीरियर तो आप लोगों ने देख लिया, और अभी हम जा रहे हैं इनके घर की सबसे स्पेशल जगह पे जिसके लिए स्पेशली मैं यहाँ आया हूँ आप सब लोगों को बताने के लिए। और यहाँ से जब हम नीचे आते हैं सबसे पहले हम डाउन स्टेयर्स जाएंगे, नीचे आएंगे, और ये तो यहाँ एक छोटी सी एंट्रेंस है, सामने 2 cycles खड़ी हुई है, इस साइड पे वैनिटी लगी हुई है, ऊपर मिरर लगा हुआ है, और साइड पे वॉशरूम है। व्यू बनाने आया और ये क्या भाई साहब, ये क्या सीन चल रहा है, ओह माय गॉड, गई। और फिर यहाँ दरवाजा है, और यहाँ से जब इंटर होते हैं तो यहाँ छोटी सी लॉबी है, और फिर जब हम यहाँ से इंटर होते हैं तो सारी गेम शुरू होती है। और ये है वो स्पेशल गैलरी जहाँ पर पड़ी है मोहम्मद रिजवान की आज तक की सब अचीवमेंट्स, फ्रॉम स्कूल क्रिकेट ट्रॉफीज टू द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, सब यहाँ पर है। लेकिन थोड़ा सा सबर, सबसे पहले मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम और जिम का टूर देता हूँ, एंड देन हम ये सब अवार्ड देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं ड्राइंग रूम की तरफ, और अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखिए तो यहाँ पर है थोड़ी सी ग्रीनरी। और अभी हम इंटर हो गए हैं मोहम्मद रिजवान के ड्राइंग रूम में, और अगर मैं ड्राइंग रूम की बात करूं तो माशाल्लाह ड्राइंग रूम बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले जब हम इंटर होते हैं तो राइट साइड पे आपको एक वैनिटी मिलेगी, यहाँ पर रिजवान सर नमाज पढ़ते हैं, ये सारी ये जगह सारी मस्जिद थी। हम यहाँ से इंटर आते हैं तो ये मस्जिद का हाल है पूरा,
इस साइड पे दो बैट लगे हुए हैं जिस पे सारी साउथ अफ्रीका टीम के साइंस हैं, जैसे कि फाफ डू प्लेसी, एडन मार्करम, कोइटन डी कॉक, कगिसो रबाडा, सब के साइन हैं। और इसके ऑपोजिट लगे हुए हैं दो और फ्रेम्स जिसमें लगी हुई है मोहम्मद रिजवान की पिक्चर्स। फर्स्ट फ्रेम में जो टेस्ट मैच का शूट होता है ये वो वाली पिक्चर है और उसके साथ उन्होंने बैट वाली ट्रॉफी पकड़ी हुई है जब वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे अगेंस्ट इंग्लैंड। और अगर हम इस साइड पे आए तो यहाँ पर है एक खूबसूरत सा सिटिंग एरिया। जैसे कि आपको पेशावर की रिवायत का पता है, यहाँ पर लोग ज्यादातर नीचे बैठना पसंद करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक खूबसूरत सी मजलिस बनाई गई है। और ये एरिया इतना बड़ा है कि आई गेस पाकिस्तान की पूरी टीम भी आज तो यहाँ पर आराम से एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, सो ड्राइंग रूम तो आप लोगों ने देख लिया और अभी मैं आप लोगों को जिम बताता हूँ। और अभी हम इंटर हो रहे हैं जिम में, मोहम्मद रिजवान के जिम में। रिजी भाई का नाम लेना जरूरी होता है क्योंकि फिर उस जगह की वाइब भी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। हम जिम में आए हैं और यहाँ पर ट्रेडमिल है और यहाँ पर जो बॉक्सिंग जिसका नाम नहीं आता ये वो है, बहुत खूबसूरत सा छोटा सा जिम है। मेरे सामने मिरर लगे हैं और यहाँ पर डंबल्स हैं और यहाँ पर फिर एक्सरसाइज की चीज़ें हैं। माशाल्लाह, एवरीथिंग इज वेरी 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 गुड। अभी मैं यहाँ पर एक डंबल को उठाने जा रहा हूँ, वो डंबल जिसमें रिजवान सर ने भी पकड़ा है। इनका जिम था, अभी हम जिम से निकल गए। ये रिजवान सर के भाई हैं आवाज भाई। उन्होंने रिजवान भाई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और इनको आपने कभी सोशल मीडिया पे देखा नहीं, ये वही कहने कहते हैं मैं शर्माता हूँ और कैमरे के सामने नहीं आता। इनकी बहुत टफ ड्यूटी, इन्होंने बहुत मुश्किल से हमारे टाइम निकाले क्योंकि ये घर में अकेले होते हैं, घर का सारा काम बाज भाई पे होते हैं। अच्छा, सो ये सब जगह तो अभी हमने कवर कर ली और ड्राइंग रूम की वाइब बहुत मजे की है क्योंकि सारी पर्पल थीम है, ब्लू एम्बियंस है एंड ओवरऑल बहुत खूबसूरत है। सो नाउ ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, सो अभी हम वापस आ गए इस स्पेशल जगह पे जिसका यू ऑल वर वेटिंग फॉर। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की कुछ अचीवमेंट्स की। कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माशाल्लाह यहाँ पर इतने ज्यादा अवार्ड्स और ट्रॉफीज है और अगर मैं एक एक कवर करूंगा तो आई गेस मेरा एक घंटा तो ये कवर करते करते लग जाएगा। तो जल्दी से हम मेन मेन अवार्ड और ट्रॉफीज कवर करते हैं। और फर्स्ट ट्रॉफी है सीरीज विन की, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल 2021। और इसके साथ एक और सीरीज विनर की ट्रॉफी है बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे T20 कप 2021। और ये है मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की। और यहाँ पर है एक और मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की। और यहाँ पर ये ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ट्रॉफी। और ये ट्रॉफी आई थिंक मोहम्मद रिजवान की करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और इन ट्रॉफीज के टॉप पे पड़े हुए हैं बहुत सारे बॉल्स, व्हाइट बॉल है, रेड बॉल है, पिंक बॉल है और ड्यूक बॉल भी है। और ड्यूक बॉल का मतलब होता है जो हैंड से स्टैचू होते हैं और वो भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं तो आसानी से इन ट्रॉफीज के नाम लेके आगे आगे जा रहा हूँ लेकिन इस एक एक ट्रॉफी को हासिल करने के लिए मोहम्मद रिजवान ने जितनी मेहनत की है आई थिंक हम सोच भी नहीं सकते। एंड इंशाल्लाह आफ्टर एशिया कप इस तरह की बहुत सारी और मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफीज आएगी इंशाल्लाह। और अगर हम इस कंपार्टमेंट में आए तो यहाँ पर पड़ी हुई है कुछ PSL की ट्रॉफीज और यहाँ ऊपर पड़ी हुई है PSL प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी और उसके साथ है PSL प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी। और अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर है PSL कीपर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड और ये ग्लव्स की शेप में। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ सेटिंग रहती है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सब क्रिकेटर्स के साइन है, मिसबॉल हकी, यूनुस खान के, सब अजहर अली, सरफराज अहमद, बाबर आजम, यासिर शाह, पूरी पाकिस्तान टेस्ट टीम साइन किया रिजवान सर के घर। अभी मैं ट्रॉफी को होल्ड करने जा रहा हूँ। माशा सकता हूँ, माशा
अच्छा सो अवार्ड्स हमने अभी बहुत कवर कर लिए, अभी कुछ पिक्चर्स की बात करते हैं। और यहाँ पर लगी हुई है एक बड़ी सी पिक्चर जिसपे मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरी बनाई थी, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड। और ये है इनकी अजहर अली के साथ पिक, मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड इन मैनचेस्टर। और यहाँ नीचे और खूबसूरत सी पिक्चर लगी हुई है जिसमें पूरी पाकिस्तान की टीम है और इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका टेस्ट सीरीज विन इन लाहौर। और यहाँ पर कुछ मेडल्स पड़े हुए हैं, कुछ ट्रॉफीज हैं और पाकिस्तान की टेस्ट कैप। और यहाँ पर लगी हुई है वो मेमोरेबल शर्ट जिसमें हमने इंडिया को डिफीट किया था 10 विकेट से, और ये शर्ट है ICC वर्ल्ड T20 2021 की। और इस वॉल पे भी बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई है जैसे कि टेस्ट मैच की, और ये जब PSL का टूर्नामेंट जीते थे ये वो पिक्चर है, और भी बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी पिक्चर्स हैं। ये रिजवान सर का एक्सक्लूसिव होम टूर था, ये हम ऊपर से इस तरह आए थे, और ये वंस अगेन मैम ये ऊपर से हम इस तरह आए थे, और यहाँ पर जब हम इंटर होते हैं और फिर जब हम इसके अंदर जाते हैं तो फिर नज़ारा सब चेंज ही हो जाता है। यहाँ मोहम्मद रिजवान की सारी ट्रॉफी सब कुछ है। तो अभी मैंने आपको सारा टूर दे दिए और अभी हम वापस जा रहे हैं, दिल तो मेरा नहीं करना लेकिन अब जाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो है ना ये 20 मिनट में है, तो अभी हम वापस ऊपर जा रहे हैं। अच्छा तो होम टूर तो हमने कर लिए, एंड नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। अच्छा तो फाइनली हमने मोहम्मद रिजवान का एक्सक्लूसिव होम टूर कर लिया है। तो इस व्लॉग को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, और आप लोगों ने क्या करना है इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर। और यार ने 20 का नोट क्यों पकड़ा ये धड़क। तो मजाक को करते हैं, साइड पे इस व्लॉग को बनाने में आसान बहुत एफर्ट लगी है ना। और वंस अगेन क्रेडिट हम अब्बास भाई को देंगे क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल में उन्होंने हमारे लिए टाइम निकालना, तो बिग थम्स अप टू अब्बास भाई। और बाकी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ और व्लॉग फिर घर जाते हैं और एंड करते हैं। जी कैसे खत्म होती है क्या? टेंशन टेंशन टेंशन। अभी सेफली हम घर आ गए हैं। टाइम हो रहा है अभी 7:30 PM। तो मैं अभी घर आ गया हूँ। टुडे वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एंड मेमोरेबल डेज इन माई लाइफ। मैंने तो बहुत ज्यादा इंजॉय किया एंड आई होप आप लोगों ने भी उतना इंजॉय किया होगा जो एक्सपीरियंस मैंने किया। मैंने तो पूरी कोशिश की आप लोगों को भी वो एक्सपीरियंस करवाने की। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो गिव दिस वीडियो बिग बिग थम्स अप। और आप में से बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा था कि आप रिजवान सर से कैसे मिले, ब्लॉग कैसे बनाया, वो कहाँ रहते हैं, आपकी क्या लगती है, विच फोन डू यू यूज फॉर ब्लॉगिंग, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर मैं इस ब्लॉग में आंसर दूंगा तो ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, बट इंशाल्लाह हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हमें सब क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और अब क्रिकेट से रिलेटेड बहुत 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 मजे का कंटेंट आएगा, और जैसे कि आपको पता है एशिया कप भी स्टार्ट होने वाला है तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, और भी बहुत ज्यादा मजे का कंटेंट आएगा। और वो देखने के लिए तुम लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब, नीचे होगा सब्सक्राइब का बटन वो रेड होगा, उसको हल्का सा टच करोगे ना बिल्कुल माइनर सा टच से वो हो जाएगा ग्रे, और साथ होगा बेल आइकन। फिर सब्सक्राइब और बेल आइकन का ऐसा रिश्ता कि आप लोगों ने निकाह कर लिए और रुख से दी की क्या नहीं बोला तू पहले क्या बोला चल जाके इलाज करो। तो बेल आइकन दबाना लाजमी है। और अगर अभी तक तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया यार होगा यूजर नेम, जाके जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि ब्लॉग के रिलेटेड सब कुछ मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ। और यहाँ पे कर रहे हैं हम अपने ब्लॉग को एंड, और अगर इसका पार्ट 3 देखना है तो जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स करवाएं, एंड पार्ट 3 विल बी ऑन द वे। एट लास्ट अ बिग 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 थम्स अप टू रिजवान सर, क्योंकि उनके बगैर ये ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं था। तो रिजी भाई इफ यू वॉचिंग वी ऑल लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एशिया कप। टिल देन